गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुळजापूर टू लातूर के बीच वाला पेट्रोल पंप। और आप देख रहे होंगे एकदम सूरज निकला हुआ है और मैं भी ब्रश कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल श्री वेंकटेश पेट्रोलियम एचपी का पेट्रोल होगा, यहाँ पर मैं रुका था टेंट लगा के। रात को इतना भयंकर ठंडी पड़ा भाई, बहुत भयंकर, तो सुबह उठने की इच्छा ही नहीं हुई। कल रात को 8 बजे सोया तो अभी मैं 10-15 मिनट पहले उठा और ब्रश किया, वॉशरूम से आया और जस्ट अभी आपको गुड मॉर्निंग कहने के लिए स्टार्ट किया ब्लॉग आज का। तो आज का एडवेंचर चालू होगा अभी थोड़ी देर में, तो निकलते यहाँ से थोड़ी देर में। और ये एकदम सूरज एकदम सुंदर दिख रहा है ना यहाँ से, और यहाँ पे जो सूरज है वो 7:30 बजे के बाद ही निकलता है, बाकी जगह तो सुबह सुबह निकल जाता है, यहाँ पे पता नहीं। ये ठंडी के मौसम में ही ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे थोड़ा देर से निकलता है। तो देखिए एकदम सूरज बढ़िया सा निकला हुआ है और एडवेंचर का भी अभी स्टार्ट होगा अपना। मॉर्निंग में चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। मैं हो गया अभी रेडी, देखिए मेरे पीछे वाले बैग और ये सामने वाले बैग, मैं रेडी होके अभी निकलता हूँ सोलापुर के लिए। सोलापुर के लिए निकलना है और सोलापुर के लिए ये अपनी बैग और सारा तामझाम अपने साथ है, कहाँ से निकल। तो दोस्तों ये एचपी का पेट्रोल पंप है, श्री वेंकटेश पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जो तुळजापुर की तरफ रास्ता जाता है यही रास्ते पे है। तो ये बंदे ने मेरे को परमिशन दी यहाँ पे टेंट लगाने की, रात भर रुकने की। तो ये दोनों बंदे रास्ते हैं तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए भाई, इतना हेल्प करने के लिए थैंक यू, थैंक यू बॉस। क्या नाम है आपका? महेश यादव है ये, दिगंबर। हाँ तो ये दिगंबर भाई है, दोनों ने बहुत हेल्प की हमारी, बढ़िया शुक्रिया अदा हुआ। चल एक्चुअली देखिए ये पेट्रोल पंप के बाजू में एक यहाँ पे नाश्ते का कुछ होटल है, यहाँ पे चाय पीने में रुका हूँ। और ये देखेंगे आप, ये पूरी खेती पूरी हरियाली से भरी हुई है। इधर साइड में आम का पेड़ है, ये साइड में भी, और ये साइड में भी आम का पेड़ है। और ये कुछ लगाए हुए हैं, कुछ चीज़ें लगाई हुई है, अपने को इतना कुछ आइडिया नहीं, कुछ बाजू वाजी या ज्वारी ऐसा कुछ लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया सुबह सुबह का जो नेचर का नज़ारा है, एटमोसफेयर है, बहुत बढ़िया लगता है और उतनी ही ज़्यादा ठंडी लगती है खेती के बाजू में। और बहुत बढ़िया सा यहाँ पर कुछ एकदम सूरज ऊपर आए हुए हैं और यहाँ से बहुत बढ़िया सा नज़ारा भी दिखता है और बहुत बढ़िया सा रास्ता भी। और ये पूरा खेती का इलाका है, ये पूरा जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक पूरा खेती का इलाका है, बहुत बढ़िया है। तो आज का मॉर्निंग बहुत बढ़िया हुआ है, तो आज निकलते हैं नए एडवेंचर के लिए, नए बंदों के साथ मिलते हैं और नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो मेरे चैनल में कुछ नए बंदे हो तो सब्सक्राइब करिएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगता है। और जो सब्सक्राइबर है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके जो लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए निकलते हैं आज का न्यू एक्सपीरियंस जनरेट करना। तो दोस्तों ये बोरफाल करके गाँव है आगे में 2 किलोमीटर पे, तो यहीं पे एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका था। तो यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं जर्नी और यहीं से अपना लिफ्ट का सिलसिला चालू करते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट लिफ्ट कौन दे पाता है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर या ट्रक वाले, जो भी देगा। मॉर्निंग के वक्त थोड़ा सा पैदल भी चलना अच्छा रहता है, क्योंकि रोज ही मॉर्निंग के वक्त मुझे पैदल चलना पड़ता है। इसके लिए मॉर्निंग में थोड़ा सा अपना वॉकिंग भी होता है, टॉकिंग भी होता है और जो गर्मी है वो भी आ जाती है सारे में। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं धीरे धीरे। आज का फर्स्ट जो लिफ्ट है अपने को मिला भैया ने दिया, क्या नाम है भैया आपका? अखिल भैया ने आज का लिफ्ट दिया, भैया पीछे वाले पेट्रोल पंप का था।
भाई डेली जो फर्स्ट जो रहता है ना वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सुबह सुबह है लीप लेना बहुत बड़ी बात है और देने का भी साहस बहुत बड़े आदमी में रहता है। देखिए भैया ने अपने को फर्स्ट ली थी, यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट होता है अभी सोलापुर का। ये देख लीजिए ये तुलजापुर और इधर साइड यानी कि वो फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे से इधर साइड में उतरना पड़ता है, उस्मानाबाद की तरफ जाता है रोड। तो ये अपने को तुलजापुर की तरफ जाना है और तुलजापुर से सोलापुर 2-3 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट मिला है और आजू बाजू का वातावरण बहुत बढ़िया था, एकदम शांत वातावरण, खेती वाला वातावरण। कहीं तक जा रहा है, कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। चलेगा, छोड़ देंगे, चले, कोई बात नहीं, मेन रोड पे छोड़ दीजिएगा। ओके, चलो। क्या नाम भैया आपका? गणेश। गणेश, गणेश भैया से आपने को लिफ्ट मिला अभी 20 किलोमीटर का। तो भाइयों 25 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट मिला और ये यहाँ पे होटल में अपने को नाश्ता के लिए। भैया नाम क्या बोले आपको? चलो, मेरा नाम गणेश। गणेश, गणेश भैया ने अपने को लिफ्ट दिया 25 किलोमीटर का और ये चना पोहा भी खिला रहे। तो देखिए मॉर्निंग का एडवेंचर कितना बढ़िया सा स्टार्ट हुआ है और आगे भी बढ़िया सा स्टार्ट होगा। थैंक यू भैया। ये जो बंदा मिला था उसने 25 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट भी दी और लिफ्ट के साथ बीच में होटल में चना पोहा भी खिलाया। सोशल वर्क का आदमी है, इसके वजह से उन्होंने बहुत बढ़िया सी बातें भी की और सोशल वर्कर है। मेन बताने का उद्देश्य वो सोशल वर्क है, वर्कर है। यहाँ पे कहीं गांव में जाना था, इसके वजह से उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया मुझे। देखते यहाँ से तुलजापुर जाएंगे, तुलजापुर में थोड़ा सा रुकेंगे कहीं और वहाँ से सोलापुर जाएंगे। तो आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकले ना, इसके वजह से बहुत जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं। चलो अभी पेट पूजा तो हो गई है, 1-2 बजे तक तो कोई भूख लगना नहीं है, कोई तकलीफ है नहीं, उसके बाद देखते। तो अपने को लिफ्ट मिली तुलजापुर तक, सर जी ने अपने को लिफ्ट दी और ये भी तुलजापुर तक ही जाएंगे आउटर। चलिए थैंक यू भैया। ये अपन पहुंच गए हैं सोलापुर। सोलापुर तक का लिफ्ट दिया वो ट्रक वाले भैया ने, वो भी जा रहा था गोवा, मगर अपन नहीं जाएंगे डायरेक्ट, अपने को तो पता है अपन छोटे छोटे लिफ्ट लेके जाएंगे। तो चलिए यहाँ से मेन रोड पे जाते कोल्हापुर के और वहाँ से निकलते आगे। ये जो रास्ता है ये सोलापुर से आया है और बीजापुर से गोवा की तरफ यानी कि कर्नाटक में जाएगा, कर्नाटक से सीधा बीजापुरा 105 किलोमीटर है यहाँ से। और अपने को जाना है कोल्हापुर से, तो कोल्हापुर से जो रास्ता है ये नीचे से राइट साइड होके सांगली, कोल्हापुर सांगली, उसके बाद बेलगांव, बेलगांव से गोवा, ऐसा अपना प्लान है। तो अभी चौक में पहुंचेंगे कोल्हापुर रोड के, उसके बाद फिर निकलेंगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते। स्टार्ट तो हुई है मगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो एक खेती है ज्वारी की खेती है, ज्वारी बाजरा जो बोलते हैं ना उसकी खेती है ये। और ये देखिए ऊपर में ज्वारी के जो मराठी में कनीज जो बोलते हैं ना वो लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये जो है ये कनीज है, इसलिए ज्वारी के यहाँ पे बीज वगैरह लगते हैं और जो पीस के रोटी वगैरह बनाते हैं ये पूरा। तो यही चीज़ें कि अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, एक सिटी में सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग जगह
घूमने से ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। चले यहाँ से निकलते वो चौक में, चौक से फिर निकलेंगे सांगली सोलापुर की तरफ। चलते पहुँच गए हैं, ये देखिए यहाँ पे विजयपुर स्टेट लिखा है, सोलापुर इधर साइड में है सिटी के अंदर जाने का और सांगली इधर साइड में। तो सांगली NH 166 जो है ये कोल्हापुर से सांगली की तरफ जाता है, जो कि बीच में पंढरपुर भी पड़ेगा और पंढरपुर में मेरे ख्याल से आज का स्टे करना चाहिए, आज पंढरपुर में रुकना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। चलते भाई मेन रोड पे, सामने के साथ बैठ बैठ के बातें भी बहुत सारी चीज़ें। वो बंदा बोल रहा था कि मेरी भी इच्छा है घूमने का, कैसी घूमने का, तो दिल्ली से लंदन तक का मुझे ट्रैवलिंग करना है। लंदन तक का ट्रैवलिंग कैसी करेंगे, वीज़ा निकालना पड़ेगा ना यार, वो साल दो साल लगते उसको कम से कम, कितने ना इंडिया से बाहर जाने के लिए वीज़ा लगते हैं और वीज़ा क्लियर करना ये सारी चीज़ें, कम से कम 7-8-10 वीज़ा तो लगेंगे ना, इतने सारे देश घूमना है उसको कम से कम। वो तो बोल रहा था कि मुझे 10-20 लाख का खर्चा लगेगा, बोला इतना गाय के लिए खर्चा कर रहे हो यार। चलो एनीवे उसकी इच्छा है, उसको लग रहा है कि ऐसा ऐसा है तो चलो अपनी अपनी इच्छा है। तो भाइयों ये देखिए, ये है कोल्हापुर रोड और यहाँ से 225 किलोमीटर का कोल्हापुर का डिस्टेंस है सांगली का 179 का, यानी कि पहले सांगली पड़ेगी उसके बाद कोल्हापुर पड़ेगा और पुणे तो राइट साइड में, इधर साइड विजयपुर तो इधर साइड निकल गया। तो इधर से यहाँ से अपने को निकलना है कोल्हापुर सांगली कोल्हापुर के तरफ। तो चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम किया जाएगा, इतने बढ़िया सी यहाँ पे सुंदर ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे बढ़िया, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे जाके रुकेंगे। नागपुर से निकला हूँ, नागपुर से फर्स्ट तो नांदेड़ में स्टॉप हुआ अपन ना, एक फर्स्ट जो नांदेड़ में अपन रुके और सेकंड तुलजापुर के पहले रुके, उसके बाद पंढरपुर तक जाने का मेरा प्लान है। यहाँ से पंढरपुर में फिर रुकेंगे कहीं ना कहीं, देखेंगे अभी कहाँ तक का प्लान बनता है। अब ये देखेंगे, ये जो ट्रैक्टर दिख रहे हैं ये डबल ट्रॉली लगा के चलते हैं, इसके ऊपर में जो गन्ना है ना, गन्ना भर के लेके जाते हैं, डबल ट्रॉली लगाते हैं। इधर साइड में जो है ये जो महाराष्ट्र जो इधर कोल्हापुर साइड में ये गन्ने की खेती बहुत होती है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो शुगर फैक्ट्री की तरफ लेके जाने के लिए डबल ट्रैक्टर लगाते हैं, यानी कि ट्रैक्टर के पीछे डबल ट्रॉली लगाते हैं। क्या बोले, इतनी नहीं जा रहा हूँ, बोला ज़्यादा दूर नहीं दे सकता। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर चलेगा, मुझे 5 भी दे चलेगा, खाली सिटी के अंदर मत लेके जाना, सिटी के अंदर हाँ यही रोड पे छोड़ देना। मेरे मैं अभी तो कोल्हापुर के लिए जा रहा हूँ, कोल्हापुर तक जाने का, कोल्हापुर तक नहीं जा पाऊँगा आज, तो बीच में कहीं सोमनाथ हाईवे अपने को 3-4 किलोमीटर का लिफ्ट है यहाँ तक, तो यहाँ से अपन नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। 4-5 किलोमीटर का अपने को लिफ्ट मिली, तो यहाँ से अपन पंढरपुर जाएंगे, यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है पंढरपुर का, और पंढरपुर में अपन विश्राम करेंगे। तो सर ये छोटे छोटे ट्रैक्टर जो है ना वो बहुत सारे दिखते हैं, पता नहीं कौन से काम में आते हैं, और एक ट्रैक्टर आ रहा है एकदम छोटा सा ट्रैक्टर है, पता नहीं क्या लेके आ रहा है। ओके ये पानी वानी कुछ लेके आ रहा हूँ, ये देखो क्या कोई लिफ्ट भाई, पूरा बोर्ड पकड़ के मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और ये जो है ब्रिज पे बैठा हूँ,
सा जैसे चलते चलते यहाँ तक आया, थक गया था इसके लिए यहाँ पे बैठ गया रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ से मुझे जाना है पंढरपुर की तरफ, ज़्यादा दूर डिस्टेंस है नहीं, इसके लिए थोड़ा सा आराम से जाऊँगा यहाँ और वहाँ पे रात की व्यवस्था करके रात को आराम करूँगा वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से कल कोल्हापुर के लिए निकलूँगा।